What's up guys, welcome back to our channel. जो लास्ट मेरा नायका हॉल वाला वीडियो था उसमें मैंने बहुत सारी लिपस्टिक सिखाई थी बट स्वॉचेस नहीं दिखाए थे और मैंने आपको बताया भी था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उन सारी लिपस्टिक्स के स्वॉचेस का वीडियो होगा. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे. मैंने जितनी भी इस सेल से लिपस्टिक्स खरीदी है वो सारी इस पाउच के अंदर है. एक एक करके मैं इनके स्वॉचेस दिखाऊंगी आपको. जो भी मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है या जो जो मैंने टेस्ट करी है उनका मैं मिनी रिव्यू भी साथ में दे दूंगी. मैंने ये भी कहा था कि मैं डे लाइट में इसे शूट करूंगी. सो अभी मैं अपने हॉल में बैठी इसे शूट करने के लिए एंड आई एम ओनली होपिंग कि लाइट थोड़ी कंसिस्टेंट रहे क्योंकि डे लाइट का ये प्रॉब्लम होता है, ऊपर नीचे होती रहती है लाइट. बट अगर होगी भी तो संभाल लेना आप लोग. जो भी लिपस्टिक्स मैं दिखाने वाली हूँ उनके शेड नेम्स और उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. जो प्राइसेस होंगे लिपस्टिक्स की वो आप वहां पे चेक कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं लिप ग्लॉसेस के साथ. मैंने दो ही लिप ग्लॉसेस खरीदे थे इस बार, दोनों एल्फ के हैं. बाय वन गेट वन का ऑफर था. ये वाला प्लम्पिंग लिप ग्लॉस है और ये वाला नॉर्मल जो लिप ग्लॉस होता है वो है. इसका नाम है प्रलीन और इसका नाम है मूडी. आई स्टार्ट विद द प्लम्पिंग लिप ग्लॉस प्रलीन. इसका जो शेड है ना वो थोड़ा सा कूल टोन्ड ब्राउन प्लस पिंक टाइप का शेड है, काफी सटल शेड है. एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये लिप ग्लॉस है इट इज नॉट ट्रांसफर प्रूफ, बिल्कुल भी ट्रांसफर प्रूफ नहीं होता है ये. बट इट लुक्स वेरी प्रिटी. एक बहुत ही लाइट फ्लश ऑफ कलर दे देता है लिप्स पे और थोड़ा सा टिंगल करता है. लाइक ऑब्वियसली प्लम्पिंग लिप ग्लॉसेस जो होते हैं ना वो टिंगल करते हैं, तो दिस वन ऑल्सो टिंगल्स अ बिट लेकिन वो सेटल डाउन हो जाता है, इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होता. अभी जो नेक्स्ट वाला लिप ग्लॉस है एल्फ का वो ट्राई करते हैं. इसका नाम है मूडी. ऑल्सो जस्ट टू कीप दिस वीडियो क्रिस्प मैं सबकी एप्लीकेशन नहीं दिखाती हूँ, जो फाइनल स्वॉच होगा वो दिखाती हूँ. ये वाला जो ग्लॉस है ना ये एक पीच कलर का लिप ग्लॉस है और ये जो दोनों लिप ग्लॉसेस है ना दे आर श्योर लिप ग्लॉसेस. एक सॉलिड सा पिगमेंटेशन नहीं देते हैं लिप्स पे. मोस्टली जो लिप ग्लॉसेस होते हैं वो श्योर ही होते हैं और मैं पर्सनली अकेला लिप ग्लॉस यूज नहीं करती हूँ. जो लिपस्टिक होती है ना उसके ऊपर एज अ टॉपर यूज करती हूँ. सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट कलर. अगर कोई न्यूड कलर की लिपस्टिक के ऊपर आपको टॉपअप करना है तो यू कैन यू नो वेरी वेल यूज दिस वन. और जो प्रलीन है ये भी बहुत अच्छा जाएगा अगर कोई पिंक कलर की लिपस्टिक है उसके ऊपर एज अ टॉपर. नेक्स्ट जो स्वॉचेस हैं वो इनके स्वॉचेस होने वाले हैं. ये निक्स की लिप क्रीम्स हैं. मैंने चार शेड्स खरीदे थे. सबसे पहला वाला जो शेड मैं अभी लगा रही हूँ उसका नाम है बीजिंग. सो गाइज इस कलर के मैं ब्यूटी शॉट्स नहीं ले रही हूँ बिकॉज यू कैन सी इट कम्प्लीटली वॉशेज मी आउट. मेरी मीडियम फेयर स्किन टोन है. आई वुडंट से आई एम एक्सट्रीमली फेयर, मीडियम फेयर स्किन टोन है. अनफॉर्चुनेटली ये वाली जो लिपस्टिक है ना उसमें थोड़ा सा पैसा मेरा वेस्ट हो गया बिकॉज आई रियली कैन नॉट वेयर इट लाइक दिस. बहुत वॉश आउट कर देती है मुझे. नेक्स्ट अभी जो मैं लगा रही हूँ इसका नाम है कैंस. दिस अ वेरी प्रिटी रोजी पिंक लिपस्टिक. अभी और भी स्वॉचेस आएंगे यू विल रियलाइज कि मैंने बहुत सारी पिंक लिपस्टिक्स खरीदी हैं. ये वाली जो लिपस्टिक्स है ना निक्स की लिप क्रीम्स ये बहुत बहुत कंफर्टेबल फील होती हैं लिप्स पे. दे आर नॉट ट्रांसफर प्रूफ दो, मतलब टचअप की जरूरत पड़ती है खाने पीने के बाद. बट आई लव दिस रेंज फॉर द कम्फर्ट फैक्टर. बहुत कंफर्टेबल फील होती है लिप्स पे, पिगमेंटेशन भी काफी अच्छा है. दिस वन इज वन ऑफ दोज पिंक कलर्स जो एवरी डे वाले जो लुक्स होते हैं ना उस पर काफी अच्छा जाता है. नेक्स्ट लिप क्रीम का नाम है सैन फ्रांसिस्को. This one is a peachy pink nude shade. Peach थोड़ा ज्यादा है, pink कम है लेकिन एक hint of pink है. And this is a very nice color for fair to medium skin tones. ये जो चार मैंने lip creams खरीदी है ना NYX की, I think this one is my favorite color. This is the last one. इसका नाम है Montreal. This is a cool tone pink lipstick और मैंने सच में बहुत सारी pink lipsticks खरीदी है इस बार. But I love this color guys and I think fair to medium skin tones के लिए this is a very nice and natural pink toned lipstick. अभी lip crayons पे आते हैं. मैंने दो Mars के खरीदे थे, दो Swiss Beauty के खरीदे थे. I think we'll start with the Mars ones. जो white वाला है उसके shade का नाम है rosy pink और जो ये वाला है इसके shade का नाम है smile piece.
तो ये रोजी पिंक वाला शेड है एंड दिस इज सपोज टू बी अ ट्रांसफर प्रूफ लिप क्रेयॉन. ये बहुत ब्यूटीफुल न्यूड पिंक कलर है. मैंने इसे टेस्ट आउट किया है, अभी तक काफी बार मैं इसे लगा चुकी हूँ एंड ऑनेस्टली उतना लंबा लास्ट नहीं करता है ये लिप्स पे. इनफैक्ट यूजुअली जो ट्रांसफर प्रूफ बहुत सारी लिपस्टिक्स होती है ना, उनको टचअप की जरूरत होती है अगर आप कुछ ऑयली खाते हो. इसके साथ ना मैंने जब ड्रिंक्स भी पी ना, अपनी कॉफी पी और जस्ट पानी वानी पिया, तो भी ये थोड़ी थोड़ी लिपस्टिक निकलना चालू हो गई थी. सो इट डजंट लास्ट ऑल दैट लॉन्ग बट आई लाइक द कलर. कंफर्टेबल भी है थोड़ा सा, अगर लिप बाम लगा लो लगाने के पहले तो ज्यादा कंफर्टेबल फील होगी बट इट डजंट सक द लाइफ आउट ऑफ योर लिप्स. कुछ कुछ लिपस्टिक्स होती है ना जिसमें ऐसा लगता है कि बस अब लिप्स निकल के हाथ में आ जाएंगे. सो दिस इज नॉट वन ऑफ दोज ट्रांसफर प्रूफ लिप क्रेयॉन्स एंड द कलर इज वेरी प्रिटी. मैं एक्चुअली लिपस्टिक लगा के थोड़ा सा बात इसलिए कर रही हूँ ताकि कलर का बेटर आइडिया हो जाए. लेट मी नो इफ आई शुड डू दिस इन एवरी स्वॉच वीडियो. आगे जो भी लिपस्टिक के स्वॉचेस होंगे मुझे प्लीज कॉमेंट्स में बताना इफ आई शुड डू दिस एंड इफ दिस इज हेल्पफुल इन एनी वे. अभी जो शेड मैं ट्राई कर रही हूँ उसका नाम है स्माइल प्लीज. द स्मेल, ये वही वाली है गाइस. जैसे ही मैंने इसकी फर्स्ट लेयर लगाई ना, इसकी स्मेल ने मेरी नाक को हिट किया. सो कलर के लिए 10/10 एंड पिगमेंटेशन के लिए 10/10. वन स्वाइप पिगमेंटेशन, अच्छे से कलर स्प्रेड हो जाता है, स्मूथ भी लगता है लिप्स पे. व्हेन इट कम्स टू कंफर्ट, अभी मैंने लिप बाम नहीं लगाई है इसे लगाने के पहले, सो मेरे लिप्स थोड़े से ड्राई फील हो रहे हैं. आई थिंक इट विल बी बेटर इफ यू अप्लाई अ लिप बाम. अभी भी उतना खराब नहीं है बट लिप बाम से ज्यादा कंफर्टेबल फील होगी. एंड द बिगेस्ट कॉन इज द स्मेल गाइस. द ओनली रीजन आई हैव नॉट टॉस्ड दिस लिपस्टिक इज बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज सो गुड अबाउट इट. इतनी अच्छी लगती है और प्रिटी लगती है लिप्स पे कि मैं थोड़ा सा ना बेयर कर लेती हूँ इसकी स्मेल. आई विश इसमें थोड़ी सी कोई माइल्ड सी कुछ फ्रेग्रेंस होती और इस टाइप की जो वैक्सी स्मेल आ रही है वो नहीं होती, तो फिर डेफिनेटली आई वुड हैव बॉट मेनी मोर शेड्स फ्रॉम दिस रेंज. लेकिन अभी मैं और नहीं खरीद रही हूँ बिकॉज यार स्मेल है, ऑफ पुटिंग है. And the same goes for the Swiss Beauty crayons which I'm going to show you next. Swiss Beauty के भी मैंने दो lip crayons खरीदे थे उनकी stay on lip range से. जो first shade मैं try कर रही हूँ उसका नाम है Bear. इसकी स्मेल मार्स वाले लिप क्रेयॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. आई एम रियली नॉट एग्जैजरेटिंग इट, आई डोंट नो व्हाई द स्मेल इज सो बैड. सो दिस वन इज अ पीची ब्राउन कलर. कलर बहुत प्रिटी है और स्विस ब्यूटी और मार्स के क्रेयॉन के कंपैरिजन में ऑनेस्टली मुझे मार्स वाले लिप क्रेयॉन्स ज्यादा कंफर्टेबल लगे. अभी मैंने लिप बाम यूज नहीं करी है तो आई कैन फील दैट इट इज रियली मेकिंग माई लिप्स ड्राई. सो डेफिनेटली लिप बाम के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और खुशबू वाली लिप बाम अगर लगा लें तो शायद बेटर होगा बिकॉज द स्मेल स्ट्रेट अवे हिट करती है नोज को. मैं सच में एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ गाइज, द स्मेल इज सो ऑफ पुटिंग फॉर मी. और मैंने दो लिप क्रेयॉन्स खरीदे हैं. आई डोंट थिंक मैं इस रेंज से वापस कोई खरीदूंगी शेड्स. और आई वुडंट से एकदम रॉटन टाइप स्मेल है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैक्सी स्मेल है इसमें. एंड इफ यू थिंक यू विल बी ओके विद इट देन दीज आर लाइक ग्रेट बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज गुड अबाउट इट. द पिगमेंटेशन, द कलर, आई लाइक इट ऑल एक्सेप्ट द स्मेल. नेक्स्ट जो शेड है इस लिप क्रेयॉन का उसका नाम है आर्टिस्ट न्यूड. वापस स्मेल के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि ज्यादा हो जाएगा बट व्हेन इट कम्स टू द कलर ऑफ दिस लिपस्टिक, मैंने जितनी भी इस सेल में लिपस्टिक्स खरीदी है ना, दिस इज वन ऑफ माय टॉप फेवरेट कलर्स गाइस. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्राउन लिप कलर विद अ टच ऑफ मोव. आई रियली रियली लाइक्ड इट. मैं एक चीज बताना भूल गई थी, ये वाली रेंज भी ट्रांसफर प्रूफ रेंज है लेकिन इनकी भी वो मार्स वाली कहानी है. दो तीन घंटे में ना थोड़ा थोड़ा निकलना चालू हो जाती है लिपस्टिक्स, उतना लंबा लास्ट नहीं करती है. अगेन इफ यू कैन इग्नोर द स्मेल तो ये कलर बहुत प्रिटी है, इट लुक्स वेरी नाइस. अब ना मेरे लिप्स थोड़े से बर्न कर रहे हैं बट अब लास्ट एंड फाइनल लिपस्टिक बची है. इट इज फ्रॉम हुडा ब्यूटी, उनकी पावर बुलेट जो रेंज है उसमें से है एंड शेड का नाम है रॉन्डेवू.
ये वाला जो शेड है ना हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक का, इट इज वेरी सिमिलर टू निक्स की जो लिप क्रीम जिसका स्वॉच मैंने दिखाया था, कैंस नाम की जो लिप क्रीम है उससे एक्चुअली 90% सिमिलर है. जो डार्क वाली दिख रही है ना वो कैंस है और ये जो मैंने अभी लगाई हुई है वो है. सो दिस वन इज अनदर प्रिटी पिंक लिपस्टिक फ्रॉम हुडा ब्यूटी. और हुडा ब्यूटी की जो पावर बुलेट रेंज है आई लव इट. बहुत कंफर्टेबल है लिप्स पे, एकदम वेलवेटी सा वन स्वाइप पिगमेंटेशन देती है एंड ओवरऑल इट लुक्स ग्रेट ऑन द लिप्स. और इस पे एक्चुअली में काफी अच्छा डिस्काउंट था, बहुत अच्छा फॉर्मूला, इट इज टोटली वर्थ इट. That's it guys, यही थे वो सारे swatches उन lipsticks के जो मैंने इस बार की sale से खरीदे थे. इनमें से आपको कौन से shades अच्छे लगे let me know in the comment section below. I know बहुत सारी pink lipsticks हो गई है but मैं usually ना pink lipsticks उतनी खरीदती नहीं हूँ, शायद इस बार इसीलिए I went crazy over pink. So आज के video को यहीं पे खत्म करते हैं. मैं चाहती हूँ अपने lips पे थोड़ी सी ice लगाने के लिए क्योंकि lips burn कर रहे हैं. And I'll see you next Friday. Take care of yourself and stay safe guys. Bye.